टुडेज आवर टॉपिक इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. व्हाट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ साइकोलॉजी विद स्पोर्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी. बेटा इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टर्म साइकोलॉजी, साइकोलॉजी टोटली रिलेटेड विद स्पोर्ट्स. Why? Because it is an integrated part of any activity, sports and behavior, psychology. First of all, history of psychology, if we go back, you have listened the different philosopher of Greece, ancient Greece. Aapne unka beta philosophers ka name suna hoga. They are very famous. एरिस्टोटल, हर्क्यूलस, ठीक है. ये जो साइकोलॉजी टर्म है इट इज वेरी वेरी ओल्ड एंड 1950 में इसको यूज किया गया था एज ए वर्ड साइकोलॉजी इन द स्टडी ऑफ माइंड. ठीक है, माइंड की स्टडी उन्होंने डिफरेंट फिलोसफर्स जो ऑथर्स हैं वो करते हैं, वो रिसर्च वर्क करते हैं. तो एट दैट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी कम. और जो डिफरेंट आपके ऑथर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन उन्होंने दी है रिगार्डिंग साइकोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न वन और टू डेफिनेशंस ऑफ एनी फिलोसफर. व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी क्या, इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड वर्ड साइकोलॉजी. बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो. सो साइकोलॉजी बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. किसी के बिहेवियर को हमने रीड करना है, उसकी साइकोलॉजी को हमने जज करना है. नाउडेज इट इज अ वेरी वेरी वास्ट और बहुत ज्यादा रिसर्च हो गई है. आपने देखा होगा कि माइंड ट्रेस, माइंड मैपिंग करते हैं, लाइफ टेस्ट आर देयर एंड दिस psychology is used in a to judge the behavior of different criminals. आपने देखा होगा जो different crimes होते हैं उनमें उनका mind को mapping करते हैं कि वो सच बोल रहा है कि live detector test होता है. You have seen in so many high profile cases, वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा use होता है. वो माइंड की मैपिंग करते हैं, आपके माइंड की वो रीड करते हैं. लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है. आपने देखा होगा सम टाइम पीपल आर एलिगेशन ईच अदर को कि आप मेरा टेस्ट करा लो, उसका टेस्ट करा लो, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो इसमें आपने बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफरेंट जो फिलोसफर है, जो ऑथर्स हैं, उनकी आपको एटलीस्ट टू ऑथर्स की डेफिनेशन अच्छी तरह लर्न करनी है. एज आई अर्लियर टोल्ड यू इट इज अ वेरी वेरी ओल्ड एंशियंट ग्रीक्स में जितने फिलोसोफर आपके हुए हैं, एरिस्टोटल, हर्क्यूलस, ठीक है, तो वहां पे साइकोलॉजी का क्या मीनिंग निकलता है, साइको एंड लोकस. साइको का मतलब वो करते हैं कि माइंड और सोल, इट इज रिलेटेड विद माइंड और सोल. तो जो माइंड और सोल, ठीक है, कि जो हम स्टडी करते हैं, उसकी जो हम टॉक करते हैं, जो बात करते हैं, दैट इज साइकोलॉजी. बट अगेन डिफरेंट आपके जो ऑथर्स हैं उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दी हैं, जो फिलोसोफर हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको सबसे एक अच्छा है बेटा, आपने क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन याद करनी है. क्रो एंड क्रो, देन देयर इज ए वॉटसन.
अब ये फिलोसोफर हैं जो इन्होंने क्या बोला है रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। सिंपल है, साइकोलॉजी क्या है, बट वी रीड इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज अ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आपका जो माइंड है सोल है उसकी हम स्टडी करते हैं इन स्पोर्ट्स। अगर आप इसको रिलेशन इसका स्पोर्ट्स से हम करते हैं, अगर हमको अपने स्पोर्ट्स पर्सन की साइकोलॉजी का पता होगा, उसके बिहेवियर का पता होगा, देन इट विल बी इजियर फॉर दैट पर्सन, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स हम करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आपका वॉटसन ने कहा है, इसका क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव, वो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ आपका साइंस, जो हमारी साइकोलॉजी इज अ जो स्टडी हम करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की एंड उसके ह्यूमन रिलेशनशिप की, ठीक है। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वाटसन क्या है, ए पॉजिटिव साइंस ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर, जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, सिंपल है, आपका उठना बैठना चलना, ठीक है, किसी चीज के बारे में आपका रिएक्ट करना, दैट इज ऑल योर बिहेवियर। जब हमको किसी आदमी का बिहेवियर का पता लगता है, ठीक है, उससे हम एक्सेप्ट करते हैं कि इसका फर्दर ये किस टाइप का है। अब आपने देखा होगा सम पीपल दे आर वेरी एग्रेसिव इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, या नॉर्मली है, कई लोग बहुत हाइपर होते हैं। आप हम क्लास में देखते हैं डिफरेंट स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, एक को हमने बोल दिया कि आपको कोई वर्कआउट दे दिया, काम कर लिया, उसने अपने इजिली अपने उसको काम को करना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं आप उनको 10 बार बोलोगे फिर वो उसका काम शुरू करोगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइकोलॉजी ऐसी होती है कि ऑलवेज दे आर डिस्टर्बिंग, वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं, ठीक है, वो दूसरों को नहीं उन्होंने देखना है कि मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है या मुझको पता नहीं लग रहा है। तो दे अपना आप जो काम करना है उनका जो एक बिहेवियर बन गया है, और ये इतना इजी चेंज नहीं होता है। आप बोलते हैं ना किसी का जो कोई बिहेवियर होता है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, इट विल टेक टाइम। तो साइकोलॉजी में आपने क्या देखना है, बिहेवियर। अब हमको पता है हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारा जो ट्रेनीज है या हमारा स्टूडेंट्स है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो एग्रेसिव है, कूल है, काम है, इमोशनली है। आज की डेट में आप ओपोनेंट को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही आप उससे बेस्ट अपना यूज कर सकते हो। वर्कआउट जो आपने ट्रेनिंग करना है, कोई शेड्यूल प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजी बिहेवियर का पता होना बहुत जरूरी है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस। किसी के हम बारे में उसका जो बिहेवियर को स्टडी जब हम करते हो, दैट इज टोटली रिलेटेड विद बिहेवियर। इसमें आपको साइकोलॉजी हो गया। अब इसका मेन जो आपका होता है, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपने क्या किया, दिस इज साइकोलॉजी। इसमें हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर लिया, दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। एंड नाउ द वर्ड स्पोर्ट्स, अब इसमें स्पोर्ट्स आ गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सिंपल है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, दैट इज वहां पे आपने ह्यूमन का बिहेवियर, एक जर्नल है, कोई भी आदमी उसका बिहेवियर को जज कर रहे, बट दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशंस, योर परफॉर्मेंस, योर बिहेवियर ड्यूरिंग द मैच, आफ्टर द मैच, बिफोर द मैच। आपको मैच से पहले जो फियर होता है, ठीक है, रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हम जज करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, एंड टीम्स इन कॉम्पिटिशन,
स्पोर्ट्स बिहेवियर ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, आपका बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर कॉम्पिटिशन, इसमें बेटा साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल होता है. व्हाइल यू आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स, सिंपल आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, व्हाइल यू आर गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने जाओगे तो नेचुरली आपको उसकी टेंशन होगी, आप उसके बारे में सोचोगे, उसके रिजल्ट के बारे में सोचोगे, आपको फियर होगा. ठीक है, ये नहीं है कि आपको कोई भी एग्जाम है या कॉम्पिटिशन है, आपके स्कूल टेस्ट है, ठीक है, आपके हाफ ईयरली है, आपके फाइनल ईयर एग्जाम है, आपके बोर्ड एग्जाम है. ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो मीडियम कोई भी लेवल अगर स्टूडेंट का होगा, ठीक है, हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज. ये नहीं है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हर चीज में अच्छा होगा. सम ऑफ द स्टूडेंट दे आर वेरी गुड ऑलराउंडर, वो हर चीज में अच्छे होते हैं, पढ़ाई हो, गेम होगी है, बिहेवियर वाइज दे आर वेरी बैलेंस. बट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन, आपने जॉब के लिए जाना है अपनी, वहां पे भी आपको क्या होगा, साइकोलॉजिकली आपको एक मेंटली होगा कि मैं होऊंगा कि नहीं, फियर रिगार्डिंग योर रिजल्ट. कोई भी बेटा ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हल्का सा उसके बारे में वो सोचेगा नहीं, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके माइंड में चलते रहते हैं. बट व्हाट हैपन, दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, दोज हु गोन थ्रू विद द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ दैट एक्टिविटीज, अगर आपने अपना ग्राउंड वर्क बहुत अच्छी तरह से किया है, ठीक है, अगर आपने अपने फील्ड में अपने काम की पूरी अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, चाहे वो आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपका गेम से रिलेटेड हो, कोई आपका जॉब से रिलेटेड हो, नेचुरली व्हाट हैपन्ड, यू हैव मोर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दैट एक्टिविटीज, आपको उसके रिजल्ट का, उसके फियर का, ठीक है, आपको उससे इतनी परेशानी नहीं होगी, आप उतना उससे घबराओगे नहीं. तो सेम हमारा बेटा स्पोर्ट्स में कभी भी ये मत सोचना कि जो खेलने जाते हैं वो सीधे अपना फ्री होके जाते हैं ग्राउंड में खेलने, नथिंग, दे डोंट हैव एनी टेंशन या दे डोंट हैव एनी फियर. जितना आपको पढ़ाई में जाने पे कंपटीशन में आपको टेंशन होती है, सेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज इट इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ दैट पर्सन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट कर रहा है, जिसने वो कॉम्पिटिशन की तैयारियां की है, जिसका उसमें पूरे लाइफ का आपका एक निचोड़ रखा है. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नेचुरली, तभी आपको आगे अच्छे कॉन्टेक्ट मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल में, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको वहां पे चांस मिलेगा. तो ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, इसमें हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका कॉम्पिटिशन में, ट्रेनिंग में, बिफोर ट्रेनिंग वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वेदर ही और शी इज सिंसियर टुवर्ड्स देयर एक्टिविटीज, उसको अपना मोटिव, अपना एम पता है, ठीक है, वेदर ही और शी इज फोकस्ड रिगार्डिंग देयर कॉम्पिटिशन, उसका कितना ध्यान है अपने कॉम्पिटिशन में, वो कितना उसके बारे में सोचता है. देन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, वेन एवर देयर इज ए कॉम्पिटिशन एट दैट टाइम, अगर उसकी यहाँ पे बिफोर कंपटीशन बहुत अच्छी तैयारी होगी, ठीक है, अगर ही इज फुली कंसंट्रेट ऑन योर, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वर्क, हम कोई भी काम करने से पहले उसका ग्राउंड वर्क, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में तैयारियां करते हैं, अगर हमारा वो पोर्शन अच्छा होगा, फिर आपका नेचुरली ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा. तो वो हम चेक करते हैं प्लेयर्स का, जो जब स्टार्टिंग में जो प्लेयर्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, एथलीट, उसका बिफोर क्या बिहेवियर है, जब वो कंपटीशन खेलता है, ही इज हाईली मोटिवेटेड, वो और लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है बाय देयर ओन परफॉर्मेंस, जस्ट लाइक वी डिस्कस लीडरशिप क्वालिटी इन लास्ट टॉपिक, इफ अ गुड लीडर
इफ ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, और नेचुरली उसका जो बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट आपकी टीम पे पड़ेगा, आपकी टीम की परफॉर्मेंस में पड़ेगा. देन आफ्टर कॉम्पिटिशन वट हैपन, इफ यू लूज, इफ यू विन, एनी व्हाटसोएवर, व्हाट्स मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस, इफ समटाइम यू आर नॉट लकी, कुछ भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यू रियलाइज व्हाट हैपन, विच मिस्टेक यू हैव डन, आपने किस पोर्शन पे अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, ये सारा साइकोलॉजी में चलता है बेटा. अगर आप साइकोलॉजिकली अगर हमको बिहेवियर नहीं पता होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एथलीट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉम्पिटिशन, विच टाइप ऑफ बिहेवियर ही इज डूइंग एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. हारना जीतना ठीक है, ये इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. कभी भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में एक ही आदमी जीतता रहेगा, वो वन ओलंपिक में जीतेगा, सेकंड में जीतेगा, थर्ड में नहीं जीत सकता है, थर्ड में जीत जाएगा, फोर्थ में नहीं जीतेगा. आफ्टर एज फैक्टर इज देयर, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि साइकोलॉजी का हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा रोल है. एंड इसका जो मेन क्या है, इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का हमारे गेम में, स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशन. हमारा मेन क्या मोटिव है, हमारा जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में सबसे बेटा जो मेन हमारा होता है दैट इज कॉम्पिटिशन. दिस इज द मेन हमारा फोकस होता है कॉम्पिटिशन पे. हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है, जितनी भी मेहनत है, प्लेयर्स का जितना हार्ड वर्क है, ठीक है, जितने आर उन्हें अपने ग्राउंड में वर्कआउट किया है, जितना टाइम उसने अपनी ट्रेनिंग में दिया है, ठीक है, जितने डिफरेंट लेवल पे उसकी कोचिंग चली है, वो उसका जो रिजल्ट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसी पे सारा आपका स्पोर्ट्स मेन फोकस है. अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो नेचुरली उसका जो क्रेडिट होगा वो सबको मिलेगा. एंड दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमारा मेन क्या होता है, व्हेनेवर वी प्रिपेयर द एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशन, हमने उसको साइकोलॉजिकली उसको पहले हम क्या करते हैं, आज की डेट में अगर आपने किसी से बेस्ट उसका आउटपुट लेना है तो आपको नॉट फिजिकली उसको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है. आपको बोलते हैं जब एग्ज़ाम में आप जाते हो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से करना, आपका ये कैरियर है, आप जितना अच्छा करोगे आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इन फ्यूचर अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, ठीक है, रिगार्डिंग ऑल दिस योर एकेडमिकली. सेम इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इफ यू सिंपल है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेते हो, इफ यू रैंक फर्स्ट इन योर डिस्ट्रिक्ट यू विल रिप्रेजेंट, यू विल गो फॉर स्टेट लेवल. इफ यू वन गोल्ड मेडल, अगर फर्स्ट पोजीशन आपकी आती है स्टेट लेवल में, ऑटोमेटिकली यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल लेवल. तो वो एक बार होते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वो एक एक स्टेप में आपको मोटिवेट करेंगे रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिशन आपका कौन सा आ रहा है. वेन यू बिकम ए इंटरनेशनल प्लेयर देन देर इज अ मेन कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम, एशियन गेम्स, नेशनल गेम, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहां पे आपका हाई लेवल का सारा सिस्टम चलता है. बट सेम अगेन देर इज अ साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एथलीट. यू हैव सीन देम हाउ दे आर मोटिवेटेड देमसेल्व. आपने सिंपल देखा होगा जो लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, दे आर क्लैपिंग देमसेल्व, ऐसे क्लैप कर रहे होते हैं अपने आप को, पब्लिक की तरफ, वो स्पेक्टेटर की तरफ अपने
हैंड्स रेज करते हैं, उनको बोलते हैं यू जस्ट क्लैप, दे आर मोटिवेटेड देमसेल्फ। आपने देखा होगा, आप अगर किसी ने नहीं देखा तो यू कैन सी देम हाउ दे आर मोटिवेटेड देमसेल्फ, अपने आप क्लैप कर रहे होते हैं, स्पेक्टेटर को भी बोलते हैं, एंड देन दे स्टार्ट देयर रन अप फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा क्या हो गया, इट विल हेल्प एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कंपटीशन। जो भी आपका कंपटीशन है उसका साइकोलॉजिकल उनको हेल्प करता है, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए उनको बूस्टअप करता है उनके बिहेवियर को। देन नेक्स्ट होता है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। नेक्स्ट हमको उस एथलीट के बिहेवियर का पता लगता है, जैसे मैंने आपको कहा सम प्लेस दे आर इंट्रोवर्ड, सम पर्संस आर एक्सट्रोवर्ड। ठीक है, हर डिफरेंट क्राइटेरिया होता है ना, कोई आउटस्पोकन होता है, कोई बड़ा सोच के बोलता है, इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड। ठीक है, कोई बहुत स्लो स्लो खुलता है पब्लिक में, तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। सम आर वेरी एग्रेसिव, सम आर वेरी हाइपर, कुछ एक ऐसे हैं उनको, जैसे आप घर पे भी कहीं अपने देखते होंगे आस पड़ोस या अपने फ्रेंड सर्कल पे। ठीक है, कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा कुछ बोल दो, थोड़ा सा आप छेड़ दो तो वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, पर कुछ एक ऐसे हैं आप उनको बोलते रहो कुछ भी करते रहो वो अपने कूल एंड काम, दे जस्ट फोकस विद देयर ओन वर्क। सम पीपल आर दे आर वेरी एग्रेसिव। तो ये क्राइटेरिया डिफरेंट आपका बिहेवियर से रिलेटेड होता है, और अगर हमको बिहेवियर का पता होगा किसी का, देन इट विल हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग द उस आदमी के बिहेवियर को। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गिव देम ट्रेनिंग ट्रीटमेंट, उसके लिए हम उसी हिसाब से अपनी शेड्यूल को तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें आपका परफॉर्मेंस आ गया, ठीक है, इट विल हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट। अगर हमको उसकी उसके बिहेवियर का पता होगा तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट। उसको बोल के अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है उसको हम बोलेंगे डोंट लूज योर टेम्पर। ठीक है, हमेशा एग्रेसिवनेस भी अच्छी नहीं होती है, बट हाँ वाइल यू आर डूइंग दिस फिजिकल एक्टिविटीज तो वन शुड बी एग्रेसिव। ठीक है, एग्रेसिव होना भी जरूरी है, बट उससे क्या होता है समटाइम ज्यादा एग्रेसिवनेस में आप ज्यादा गलतियां कर देते हो, तो उसको हम उस हिसाब से ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे उसकी परफॉर्मेंस आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस निकलेगी। देन कंसंट्रेशन, इट विल हेल्प इन इंप्रूव द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट। अगर किसी भी प्लेयर्स की किसी भी आदमी की कंसेंट्रेशन अच्छी होगी, इफ ही और शी इज मोर फोकस रिगार्डिंग देयर टारगेट एम, ऑटोमेटिकली उसकी जब कंसेंट्रेशन अच्छी होगी है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देन प्लानिंग, आपकी जो प्लानिंग होगी है वो दैट इज बेस्ड अपॉन द बिहेवियर ऑफ योर एथलीट। जो आपके पास ट्रेनर है, एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका बिहेवियर जब आपको पता होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट यू प्लान आउट योर ट्रेनिंग सेशन। और मेन क्या होता है फिर बेटा, डीलिंग विथ क्राउड। इससे और क्या आपको एक इंपॉर्टेंस मीन है, यू नो हाउ टू डील विद द क्राउड। बेटा जो क्राउड है वो ही आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। यू हैव सीन सम पॉपुलर प्लेयर्स
इन पब्लिक, इन स्पेक्टेटर, इन क्राउड, उनको देखने के लिए ही लोग आते हैं। आप किसी भी गेम में आप देखना, सम स्पोर्ट्स पर्सन्स आर दे आर वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द डिफरेंट क्राउड्स। उनका नाम लेते ही अगर उनके सिटी में, टाउन में कोई मैचेस होते हैं तो अगर उनको पता लगता है कि वो प्लेयर भी आ रहा है खेलने, ऑटोमेटिकली वो हाउसफुल शो जाएगा उनका। तो यू नो हाउ टू डील विद द क्राउड, आपने क्राउड, क्योंकि यही आपको ऊपर लेके आता है, पब्लिक ही आपको ऊपर लेके आती है। ठीक है, जिसको जिसके साथ क्राउड हो गया, स्पेक्टेटर हो गया, वो नेचुरली जब आपको थाउजेंड ऑफ पीपल सीटिंग एंड चेयरिंग अप यू, चेयर्स करते हैं आपको, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप अप हो जाती है। एंड समटाइम व्हाट हैपेंड, अभी आपने तो कभी कोई मैचेस वगैरह नहीं खेले, आप कभी किसी की हिस्ट्री सुनना, पूछना उसकी, व्हेन फर्स्ट टाइम दे एंटर इन द ग्राउंड और पूरा आपका स्टेडियम स्पेक्टेटर से भरा पड़ा है, ठीक है, तो व्हाट हैपन, आधे लोग क्या होता है उसको, उनको यही होता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इतने लोगों को देख के। तो दैट बिहेवियर, उसकी जो साइकोलॉजी है, वो डीलिंग विद क्राउड अगर आपकी अच्छी है, इंप्रूव होती है उससे, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपने देखा होगा जितने भी मैचेस होते हैं, उसके मैचेस से पहले, मैचेस के बाद, वो दे कॉल द कैप्टन्स, उनके व्यूज लेती हैं, ठीक है, उनसे पूछती हैं व्हाट इज द रीजन, आपका टीम वर्क कैसा रहा, आपने टीम को कैसे जिताया, या आप हार गए हो तो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। तो ये सारी चीजें उसमें आती है। फिर आप क्या क्या इसमें कर सकते हो, इमोशंस, ठीक है, हर गेम में, हर लाइफ में इमोशंस आदमी के होते हैं, हंसना, खाना पीना, सोना उठना, जो जो भी रूटीन आपके हैं, कहीं पे आप जीतते हो तो आपकी फीलिंग कुछ और होती है, अगर आप हार जाते हो तो आपको फीलिंग कुछ और होती है। समटाइम इमोशन विद द फैमिलीज होते हैं, आपने देखा होगा व्हेन एवर एनी क्रिकेटर व्हेन दे टुक 5 विकेट्स या 100 करते हैं, तो क्राउड में उनके फैमिली वाले बैठे होते हैं, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो अपना बैट को कर देता है, बॉलर्स उधर बॉल रेज करता है, ठीक है, वो इमोशंस होते हैं, वो अपनी फैमिली को वो दिखाते हैं कि हमने 100 किया है, या वी हैव गोन थ्रू द दिस 5 विकेट हॉल। इमोशंस पे फिर आपका कंट्रोल रहता है, देन स्ट्रेस। आज की डेट में जो स्ट्रेस है, दैट इज द मेन रीजन होता है कि आपकी परफॉर्मेंस का, आपके वर्क को डाउन करने का। अगर आप स्ट्रेसफुल बंदा, जो भी आदमी स्ट्रेसफुल होगा, हमेशा स्ट्रेसफुल रहेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस कभी नहीं आ सकती है किसी भी चीज में, वो डिप्रेशन में जाता रहेगा, ठीक है। तो ये इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है आपकी स्ट्रेस को, हारना जीतना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, हर आदमी नहीं जीतता, और ये भी नहीं है कि जो जीत रहा है वो हर साल वही जीतेगा। एज यू नो देयर इज ईच एंड एवरी ईयर इन वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स आर दे आर मेड फॉर, क्या होता है, ये नहीं है कि एक ने रिकॉर्ड बना दिया वो आपका 10 साल 20 साल चल रहा है, दैट इज अ रेयर कि कोई एक आपका ऐसी कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जो आपका बहुत साल तक रहता है, अदरवाइज ईच एंड एवरी ईयर वहां पे रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं लोग, एक दूसरे आता है, दूसरा आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। देन कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंट्रोल योर इमोशंस, देन काउंसलिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन में आपकी साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल होती है। काउंसलिंग में आपने स्कूल में भी देखा होगा, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वहां पे काउंसलर्स उन्होंने रखे होते हैं, इफ सम टाइम एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कोई भी उस किसी को भी प्रॉब्लम होती है, उससे बाहर निकलने के लिए वी हैव टू काउंसलर, वी हैव टू, हमको उसकी सारी चीजें उसकी सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, फिर उसको
दूर करके उसको सारा जो स्ट्रेस होता है उसको हम दूर करते हैं और उसका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा लेके आते हैं। सपोज आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम आप जा रहे हो पार्टिसिपेट कर रहे हो, देर इज नो रिजल्ट, देर इज नो परफॉर्मेंस, तो व्हाट हैपन? वहां पे आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ टाइम इज ओवर।